दोस्तों, अगर आपके पास सिग्नल की प्रॉब्लम है, आप एंटीना सेट करवाते हैं, पैसा लगाते हैं, चाहे आपके पास डीडी फ्रीडिस है, एयरटेल है, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट, टाटा प्ले या किसी भी कंपनी का डिश एंटीना लगा है और आप छतरी सेट करने वाले को बुलाते हैं, 200-250 रुपये तक आप देते हैं उसे, हर साल में आपको 300-400 रुपये छतरी के पीछे आप खर्च करते हैं। तो दोस्तों, इस पैसे को बचाने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। हम लेकर आए हैं आप सबके लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा डिश सेटिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये एक DVB सैटेलाइट फाइंडर है, जिसे आप किसी भी सैटेलाइट के सिग्नल को आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका एंटीना बार बार हिलता है, बार बार आप इंजीनियर को बुलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो वो पैसा बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। पूरी जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारे पास SF12 नाम से सैटेलाइट फाइंडर है। बहुत ही कम कीमत है, ज्यादा महंगा ये सैटेलाइट फाइंडर नहीं है। ये रहा दोस्तों ब्लैक कलर का सैटेलाइट फाइंडर, और इस सैटेलाइट फाइंडर का उपयोग हमें क्या करना है, ये यूजर मैनुअल है, आप चाहें तो इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ बस यूजर मैनुअल और ये सैटेलाइट फाइंडर मिलता है, बाकी का काम आपको करना होता है। आपको एक छोटा सा तार का टुकड़ा बनाना होगा, जो कि LNB से आपके सैटेलाइट फाइंडर में लग सके, और जो घर के अंदर से जो वायर गया होगा, एंटीने में लगा होगा, उस वायर को इस सैटेलाइट फाइंडर में आपको लगा देना है। उसके बाद से दोस्तों, इस साइड में आपका एंटीने का वायर लगेगा और दूसरी साइड में आपका LNB का वायर लगेगा, यानी एंटीने का जो घर के नीचे से गया है वो वायर इधर लगेगा और दूसरी साइड में आपका लगेगा जो LNB से वायर आएगा वो। तो दोस्तों, इसके बैक साइड में भी देख सकते हैं रिसीवर लिखा है, टू रिसीवर टू LNB, इधर वाले दाहिने साइड में LNB लिखा है और बाएं साइड में रिसीवर, यहाँ पे LNB लिखा है। तो यानी LNB से जो वायर आएगा उसको लगाना है। और ये देख सकते हैं हैंगल भी दिया गया है इसमें, काफी अच्छा है। जब हम इसे एंटीने में लगाते हैं तो दोस्तों इसमें लाइट जल जाती है और ये काफी अच्छी तरीके से हम इसके माध्यम से हम सिग्नल तक पहुंच जाते हैं, ये हमें सिग्नल तक पहुंचाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एयरटेल के भी सिग्नल को पहुंचाएगा, वीडियोकॉन के भी पहुंचाएगा, टाटा प्ले, सन डायरेक्ट, डिश टीवी, याह सेट, AVS फ्री डिश, हॉट बॉर्ड, नील सेट, लाओ सेट, सारे सिग्नलों को ये ट्रैक कर सकता है, मतलब A to Z। बात करते हैं दोस्तों ये काम कैसे करता है। दोस्तों, जब हम लगाएंगे तो ये जो कांटा है, कांटा कम से कम 2-3% पे होना चाहिए। अब कांटे को कैसे 2-3% पे करेंगे, जो आगे आपको वैल्यूम दिया गया है मेरे अंगूठे के पास, उस वैल्यूम को आप कम करेंगे तो कांटा डाउन हो जाएगा, और उसको अप करेंगे तो ये कांटा अप होगा। तो दोस्तों हमें डाउन कर देना है, और एंटीने को अप डाउन करेंगे तो दोस्तों आप समझेंगे कि आपकी जो एंटीने की आवाज है वो कम ज्यादा हो रही है। तो जहां पर आवाज एंटीने इस मीटर की ज्यादा हो, वहां पे एंटीने को टाइट कर देना है, और उसके बाद से दोस्तों आपको वहां पे सिग्नल मिल जाएगा। याद रखिएगा, हर जगह पे ये आवाज कम ज्यादा होगी, तो हर जगह का मतलब हर जगह के जो सिग्नल है उनको कैच करेगा, मगर आपको मान लो जो भी लगाया हो आपने, उधर आपको एक बार ध्यान से समझना होगा कि पहले हमारा एंटीना किधर को लगा था, किधर उसका रुख था। तो बस अगर हल्का फुल्का इधर उधर डिस्टर्ब है तो हल्का फुल्का आप इधर उधर करेंगे, आपको सिग्नल मिल जाएगा और आसानी के साथ। जब एक बार आप कभी सेट कर लिए तो दोस्तों आप हमेशा इस मीटर की मदद से आसानी के साथ सेट कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये आसान सा तरीका है इस डिश मशीन से सेट करने का एंटीना। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। बाकी दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये मीटर खरीदना हो तो लिंक हमारे व्हाट्सएप नंबर का डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है।